इंटरव्यू शुरू करने तो पहला मैं उस परिवार तो मुआफ़ी मांग रहा, हो सकता साढ़े शब्द तुहानू ठेस पहुँचा देन, पर यह जरूरी है। अजिही घटना पहली बार वेखी है तो उस तो बाद अज सानू तुहाडियां उदाहरण दे के अगां लोगों नू जागरूक करना पै रहा। तो मैं नहीं कहता भी एक ताए ने अपना भतीजा मारता, एक मानसिक रोगी ने एक बच्चा मारता, ये कह लिए ताए दे भतीजे दे रिश्ते नू असी किसे रिश्ते नू तार तार कदों करना पैंदा है, जदों एक लालच दे बस भी जी देखो जी इको एक उधरों भतीजा सी इधर ताए दा इको एक पुत सी, तो ये जमीन जिहड़ी हैगी दो प्यों च वंडी जानी सी, तो प्यो ने या ताए ने भतीजे नू जमीन ना जावे उहदे करके कतल करता। फिर आपां कहीए भी रिश्ते तार तार करते भाई, हर बंदा गया कुछ दवाइया जिहड़ी दवाई इहदे हत्थ च आ जांदी सी खा लैंदा सी, दिमाग वालों भी इदा ही होया पिया सी। कसूरवार तो परिवार हो ना नाल भाई जिन्हें ने इन्ने उहदे रोग भी गिणाई जांदे हो यार, तुसीं तुसीं इह भी नहीं दसदे भी इहदा इलाज चलदा सी, इहदा मतलब तुसीं इलाज नहीं करवा रहे। जे मन दे विच्चों इह धार लैंदा भी जिन्हें जिहड़े जिहड़े मैनूं इह जलील करदे आ मैं सारे वढ़ने आ ते उहना परिवार खत्म कर देना सी। हुण बहुत लोग कहणगे भी उह डिप्रैशन सी यार उहनूं, ते उह आप नहर च छाल मार देंदा बच्चा जरूर मारना सी, पर डिप्रैशन दे मरीज़ दे दिमाग दे विच जो घर कर गई गल उहने उही करनी आ। की प्रशासन सिर्फ ये गल्लां दसने नूं है भी एक ताए ने भतीजा मारता जां फलाने बंदे ने आप कतल दी गुत्थियां सुलझाउण दे लई हुंदा प्रशासन? जे मां महाराणी प्रनीत कौर दे खात्यां चों उड्डे होए पैसे 24 घंटिआं तों पहलां किसे दूजी स्टेट तों रिकवर कीते जा सकदे आ, जे मध्य प्रदेश तों ओह बच्चा रिकवर कीता जा सकदा जिहड़ा पटियाले दे विच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे विच्चों एक बैग 35 लाख रुपया कैश ले जांदा है, ते जेकर सब इंस्पैक्टर की गड्डी थले बंब रखने वाले 24 घंटिआं तों पहलां मुलजम एयरपोर्ट तों फड़े जा सकदे, तां इह यार लुधियाणे दे विच बैठा बंदा सिर्फ ना ओह किते गिआ, एडा किड्डा यार ओह बंदा जिहड़ा छात्र दिमाग सीगा। परमजीत सिंह नां दे ओह सरदार जी आउंदे ने, उन्हां दा बच्चा लापता हो जांदा, 5-6 साल मिलदा नहीं आ लगातार 5-6 सालां तों, उन्हां नूं कहा जांदा इत्थे ही किते मरिया पिया होणा है। तो मैं तो मेरी वाइफ उत्थे जो जांदे सी, ओह साडे नाल कई बार उन्हें बड़ा मिसबिहेव किया कि असीं किहड़े किसे दे बच्चे लभण दा ठेका लै रख्या है, कि जाओ थोड़ा बेटा किसे नहर च पिया होएगा या कि नशा खा के मरिया पिया होएगा या गुरद्वारा साहब जाके लभो, ये उन्हां दी वर्डिंग सी जी। भी असीं उन्हां नूं गए थाने च बेसिक आ भी असीं पत्या के पुछ लैंदे आ प्यार दे नाल, असीं पुछ लैंदे आ भी तेरे कोले आ बच्चा जां किथे है, ओह कहिंदा चलो इत्थों नहीं तुहानूं भी अंदर दे दांगा। पुलिस सानूं उन्हां नूं मिलन नहीं सी दे रही, वो अपनी करी जा रही कार, असीं किसी की सिफारिश पाई, असीं कहा भी सानूं एक बार मिला दो, असीं उहदे अगे बेनती करांगे क्योंकि असीं इकट्ठे रहे हैं भी शायद साढ़े गए तो कुछ बोल पवे भी चलो मन च कोई रहम आ जाए जां साडी कोई साडी गल सुन लवे, है ना रब असीं तो परेशान सी। पर जिहड़ा थाणा आए माडल टाउन वाला थाणा उत्थों का जिहड़ा इंचार्ज आ उन्हें इन्ना मिसबिहेव किया ना, इन्ना मिसबिहेव किया मेरे नाल, कहिंदा चलो 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 भाजो ये ना हो तैनू भी नाल विच टंग दिए तुहानू भी विच फसा देंगे। फिर अफसोस की गल है भी ना तो वह किसी व्यापारी का पुत सी बहुत वड्डे बिजनेसमैन का, ना वह किसी अफसर का पुत सी, ना वह किसी मंत्री लीडर का पुत सीगा, जे हुंदा प्रशासन ने एक घंटे दे विच छित्तर फेर देना सी लिया के बंदे नू। पिता की कह रहा जे मेरे पुत की 12 घंटे पहलां प्रशासन ने लोकेशन ट्रेस की हुंदी तां बच जाणा, असीं रिपोर्ट लिखाण गए आ पुलिस कहिंदी 12 घंटे डीको, जे उदों ही पुलिस रिपोर्ट लिखदी उदों ही एक्शन लैंदी, ते अज उदों लोकेशन ते लांदी ते उह 2 दिन मुंडे नूं घुमांदा रहा वा, उदों मुंडा आराम नाल लभ जाणा सी साडा। प्रशासन की गल आउंदी तां प्रशासन ने तां प्रैस कॉन्फ्रेंस करके दुध दा दुध पानी दा पानी करता, प्रशासन ने तां दसता कि ताया जिम्मेवार आ ताए ने कतल कीता, तुसीं कहिंदे हो कि प्रशासन जिम्मेवार इस दे विच? अज सारे गल कह रहे मानसिक रोगी है ताया, ठीक है प्रशासन भी कह रहे मानसिक रोगी है जेल डकता, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बेअदबी वेले तो मानसिक रोगी कह के छड़ देंदे आ, ते हुण इहनू क्यों जेल डकिया? फिर इहदे विच किते ना किते सरकारां भी बराबर दियां दोषी ने, भगवंत मान सरकार तो चलो हुण आई है, ये काम 70 साल तो हुंदा आ रहा, बेरोज़गारी साडे देश दे विच 25 सालों तो मैं इहनू दोषी मन नहीं सकदा। हरपाल भाजी मैनू दसदे सीगे सुनाम भाजी, तो मैं उन्होंने गल कर रहा, वह कहने यार इत्थे तां थली आह काम करदे आ इह भी
80 साल के भी बंदे जिहड़े काम करदे ओह इस करके नहीं करदे भी असीं कमाई करिए, ओह इस करके करदे आ भी साडा स्ट्रैस लैवल ठीक रहे, असीं वेले बैठे बैठे कुछ सोच ना सकीए, पर साडियां सरकारां ने वेले करते लोग। सत श्री अकाल, पंजाबी लोक चैनल देख रहे हो, मैं सतनाम सिंह हाँ। समाज के बहुत सारिया अजिहां घटनावां वापरदियां जिन्हां नूं असीं मंदभागियां घटनावां कहिंदे आ, पर जदों अजिहां घटनावां की गिणती सौआं दे विच जां हज़ारां दे विच हो जाती है तां अक्सर यह सोचण वाली गल हुंदी है कि शुरू तो यह एक तो ही हुंदियां, एक तो शुरू होकर दो पांच दस फिर सौ जां हज़ारां विच चली जांदियां, पर अजिहां घटनावां दे उत्ते पहलां ही जेकर फुल स्टॉप लग जाए तो शायद इन्हां दी गिणती फिर हज़ारां दे विच ना होवे। बीते दिन एक घटना वापरदी है लुधियाणा दे विच, एक मासूम बच्चे नूं नहर दे विच उसदे ताए वल्लों ही धक्का दे के उसका कतल कर दिता जांदा। जेकर अजिही घटना दी गल करिए तां शायद कदी किसी ने अजिही घटना सुनी भी ना होवे। जदों इह घटना वापरदी है तां लोकां दीआं उंगलां उहनां दे मूँह दे विच आ जांदियां, दंदां थल्ले उंगलां दे लैंदे ने, हैरानी दी कोई हद नहीं रहिंदी। तां अजिहियां घटनावां नहीं वधणियां चाहीदियां समाज दे विच, इह इत्थे ही रुक जाणी चाहीदियां है। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਨ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵਧਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਨਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਈ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਬਈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖਿਓ ਭਰਾਵੋ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਏ ਨੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਮਾਰਤਾ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਰਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤਾਇਆ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਟੋਫੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ 40-50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਤਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਇਆ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਤਾਇਆ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਕੀ ਘਸਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਜੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੀਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮੂ ਰਾਮੂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਇਓ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬਈ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਹ ਐਵੇਂ ਝਿੜਕਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਬਈ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਝਿੜਕੋ ਨਾ, ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮੂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਫਲਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ।
सिमिलर केस जो गल्लां सामने आईयां इस परिवार नूं लैके मैं इस करके कह रहा हां मेरे कोल भी सबूत इस चीज़ दे आ भी परिवार ही कही जा रहा ना बच्चा बेटा भी कह रहा उहदा ताए दा पुत भी मेरा प्यो जी मानसिक रोगी सी मानसिक परेशानी का कारण सीगा फिर आपां इह नहीं ना कह सकते भी ताए ने एक भतीजा मार दिता तो जदों डॉक्टर कह रहे आ भी जिहड़ा प्यार दे नाल पेश होना चाहिए प्यार दे नाल उस तरह दे नाल उहदा सलीका ठीक नहीं रख्या गया तो यार जदों तुहानू पता भी साढ़े घर दे विच एक मानसिक रोगी है बंदा तीन तीन गोलियां कट्ठियां लै रहा तो तुसीं दस ये भी रहे हो भी असीं देखिया जी वह बच्चा अपने ताए दे नाल गया साढ़े सामने गया तो एक पासे तुसीं मानसिक रोगी दसी जांदे हो तो दूजे पासे बच्चे नूं भी कल्ले नूं भेजी जांदे तो पुछ भी नहीं रहे कित्थे जा रहे तो ये गल्लां भी तो भाई देखने वालियां ने तो ये परिवारां दे विच घरेलू हिंसा का कारण बहुत सारा डिप्रैशन है तो बहुत सारे लोग अजिहे तनाव का कारण होणगे अज जिन्हां नूं मैं एक रोपड़ की घटना दस दिंदा आपां पावर कलोनी च वापरी है भाई वो माँ प्यो एक भैण किवें वड्डे होए सीगे रात नूं पुत ने दस्या तां ही जांदा क्योंकि बाद च पुत भी नहीं मिलिया तो इहदा मतलब पुत कहिंदे जी डिप्रैशन का बहुत शिकार सीगा पुत नूं पढ़ाउण दीआं गल्लां जिहड़ियां कीतीआं जांदीआं सीगीआं उह डिप्रैशन करके जी पुत ने यह करता और पहलों ट्रेनिंग लैंदा रहा तो जिन्ना चिर रहा वह पुत तो अपने माँ बाप की छत्र छाया हेठ पलिया ताए दे भतीजे दे रिश्ते नूं असीं किसी रिश्ते नूं तार तार कदों करना पैंदा है जदों एक लालच दे बस भी जी देखो जी इको एक उधरों भतीजा सी इधर ताए का इको एक पुत सी तो यह जमीन जिहड़ी हैगी दो प्यों च वंडी जानी सी तो प्यो ने या ताए ने भतीजे नूं जमीन ना जावे उहदे करके कतल करता फिर आपां कहीए वी रिश्ते तार तार करते भाई इत्थे तां जायदाद दा कोई मसला नहीं है इस केस इत्थे तां कोई मसला ही नहीं है इत्थे सिर्फ एक डिप्रैशन दे मरीज़ दा केस हैगा जिन्हों जिन्हें मन दे विच इह कर ली धार ली जे मन दे विच उह इह धार लैंदा भाई जिन्हें जिहड़े जिहड़े मैनूं इह जलील करदे आ मैं इह सारे वड्ढणे आ ते उहनां परिवार खतम कर देना सी हुंदा ही आ बहुत थावां दे उत्ते जिवें आ रोपड़ वाली उदाहरण दित्ती है तो परिवार ही खत्म कर देना सी उन्हों भी जलील किया जाता सी तो मैं दस देवां कि जलालत की जिंदगी वह नौजवान भी दसया जाता है कि जी रहा उसे बार बार मजबूर किया जाता सी कि तू कोई काम नहीं करता तेरी भैन डॉक्टर बन गई कंपैरिजन किया जाता सी उसकी भैन दे नाल उसका जिसके चलते उसने अपने परिवार को ही खत्म कर रोपड़ वाली घटना च है ना हाँ बिल्कुल वह जलील किया जाता सी क्योंकि दसण के मुताबिक पता लगता है भी तेरी भैन यार डॉक्टर भी बन गई है ना जिवें गल की है तो इस तरह जदों बंदे डिप्रैशन हो जाए जदों डिप्रैशन से हूँ बहुत लोग कहणगे भी वह डिप्रैशन से यार उन्होंने तो उस आप नहर च छाल मार दिंदा बच्चा जरूर मारना सी पर डिप्रैशन दे मरीज़ दे दिमाग दे विच जो कर गई गल उन्हें उही करनी है तुसीं समझा नहीं सकते किसी डिप्रैशन दे मरीज़ नूं नाल एक होर भी गल हो जाती कि कुछ गल्लां समाज दे विच कदी किसी नूं ला के नहीं करनियां चाहीदियां किसी दे दिल दे विच जां कह लईए हिरदे दे विच कोई शब्द किसी दे तीर वांग चुभ जाण इह आपां इसका अंदाजा नहीं ला सकते किन्ने गहरे वज जाण क्योंकि शब्दों का भी जिहड़ा हैगा लोग कहिंदे कि तीर वांग शब्द लगदे ते शब्द मुड़दे नहीं जिहड़े एक वारी जबान तों निकल गए तो एक मिथिहास कह लईए जे इतिहास कह लईए गल आउंदी है कि द्रौपदी ने जदों दुर्योधन नूं कहा अन्ने दा पुत अन्ना तो अजि उदाहरण आप अक्सर सुनते हैं कि उसने महाभारत तक करवा दिता एड्डी वड्डी जंग हो गई एड्डा वड्डा जिहड़ा हैगा विनाश हो गया तो वह चीज़ा भी तो कितने ना कि साढ़े सामने आ जे दूजे पास असी देखिए कि जेकर अज असी गंगू नूं कहने कि गंगू बहुत माड़ा सी तो गंगू दे रसोईया भी रहा गुरु घर के रहा उस समय सेवा भी करता रहा पर एक लालच सी उस दे पिछे वो लालच करके उसका किरदार जिहड़ा हैगा अज असी माड़े तौर पर देखते हैं तो वजह तो किसी चीज़ के पिछे कोई हुंदी है जे कंस मामे की गल करिए कंस मामा भाणजे का रिश्ता तो तार तार सारे मामे तो नहीं माड़े हो गए जे कंस सी तो उसके पिछे एक वजह सी कि उसनू इस तरह कहा गया सी तेरे भाणजे के हथों तेरी मौत होनी है खैर ये मिथ्यासक गल्लां पर कितने कितने वजह तो पिछे कोई हरेक घटना के पिछे रहिंदी है बिल्कुल भाई यही यही गल करते हैं भी वो जिहड़ियां जायज़ जिथे वजह लगती है भी ये वजह जिहड़ी हैगी आ ये रिश्तियां नू खराब कर रही है उत्थे आपां रिश्ते नू जरूर करिए पर मैं ये कहिंदा भी जिथे यार तुहाडे घर दे विच कोई मानसिक तौर पर परेशान है टॉर्चर हो रहा बंदा जां वेहला भी आ इहदा कारण भी आपां अगे जाके डिस्कस करना है इहदे विच कित्थे कित्थे किहदे किहदे कसूर है वह भी डिस्कस करने हैं पर जदों तुहाडा परिवारक मैंबर तुहानूं कोई गल अपनी दसनी चाहुंदा होवे ते तुसीं इक तरह दे नाल उहनूं टॉर्चर करो टोंट मारो ते उह गल फिर उह कहिंदा यार जद मैं इहनां नूं दसणा चाहुंदा तां मैनूं जलील करदे आ उह अपने अंदर रखणियां शुरू कर दिंदा तो जिमें इस परिवार ने कहा भी उन्हें साढ़े नाल कदे भी गल सांझी नहीं की जदों तुसीं सवाल किया उन्हें कोई इंसान ही नहीं मिलिया कि मैं अपनी दिल की कुंडी किसी कोल खोल सकां हाँ। कोई जिस दे उत्ते विश्वास कर सकता जिसनूं अपनी गल्लां दस सकता अपना दर्द किसी को फरोल सकता शायद उस इंसान दे कोल इहो जिहा कोई दोस्त नहीं सी
बिल्कुल उदे करके ही उन्हें जी सारी घटना अंजाम दे दिता बई। तो दूजी जो गल जे कसूर की करिए यार ये हूँ बहुत लोग कहें जी बी ए सिर्फ यदा कसूर है। मैं कहना भी ठीक है एक मानसिक बंदा जोड़ा रोगी है वह कसूर है उन्हें कर दिता दोषी बन चुके हैं पर उस दोषी बनाने के पिछे कारण की रेंदे है वो डिस्कस कर मुद्दा है कि उन्होंने विचारिया जाए तो किहड़े कारण तुसी समझते हो। परिवार अमृतधारी है ताई ने अमृत छकया होया दस्तार सजाई हुई है पर मैनू इत्थे ये कहना चाह पै रहा माफ़ करो भी सिर्फ दस्तारधारी होने दे नाल असीं गुरबाणी नूं नहीं समझ सकते। जे असीं गुरबाणी नूं समझ आउंदा तां ये अज बंदा रोगी नहीं हुंदा अज बंदा अपने भतीजे नूं इस तरह कतल ना करदा। जे इन्हां नूं गुरबाणी की समझ हुंदी तां ना उन्हूं जलील किया जाता पर यह सब कुछ होया इहदा कारण यही है भी परिवार ने नहीं संभिया परिवार कितने कितने जिन्ना दोषी वो है उन्ना दोषी परिवार है उन्ना दोषी प्रशासन है साडा। इहदे बारे डिस्कशन नहीं कोई कर रहा यार बहुत लोग कह रहे हैं जदों उन्होंने दसे कह रहे हैं असं भी अस सवाल प्रशासन से अगले कहिंदे यार दुध का दुध पानी का पानी करता अगले ने दसता भी चा ताए ने भतीजा मारे अपना बिल्कुल फिर प्रशासन किदां दोषी आ की प्रशासन सिर्फ ये गल्लां दसने नूं है भी एक ताए ने भतीजा मारता जां फलाने बंदे ने आप कतल की गुत्थियां सुलझाउण दे लई हुंदा प्रशासन जां कतल तो पहला यार उन्होंने कोल 12 घंटे लगभग 12 घंटे का समा जदों उन्होंने कोल शिकायत हो जाती है फोन चलता बच्चा दसदा भी रात नूं मैं अपने पिता नूं फोन किया भी तुहाडे कोल है सहज वो कहिंदा नहीं मेरे कोल नहीं हैगा तां इहदा मतलब फोन चलता सी लोकेशन ट्रेस करके उदों प्रशासन ने क्यों नहीं किया क्योंकि प्रशासन अजिहे लापता केसां दे विच एकदम जलील करता टब्बरां नूं जिहड़े परिवार ये कहण जांदे आ ना भी अपने शिकायतां लेके जांदे आ उहनां नूं जलील किया जांदा। मुंशी तां उत्थे दा जिहड़ा इस तरह समझदे आ भी यार मैं तां इक राजा ही आ पता नहीं देश दा इस तरह विवाह किया जाता है मतलब कि हाँ उन्हों का व्यवहार चंगा नहीं हुंदा और ये आपां नूं मनना पैना भी जिन्ना कसूर उस ताए दा है तो उस तों वध कसूर प्रशासन है क्योंकि बचाया जा सकता सी जे महाराणी प्रनीत कौर दे खात्यां चों उड्डे होए पैसे 24 घंटिया तो पहला किसी दूजी स्टेट तों रिकवर किए जा सकते आ जे मध्य प्रदेश तो वो बच्चा रिकवर किया जा सकता जिहड़ा पटियाले दे विच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे विचों एक बैग 35 लाख रुपया कैश ले जांदा है ते जेकर सब इंस्पैक्टर की गड्डी थले बंब रखने वाले 24 घंटिया तो पहला मुलजम एयरपोर्ट तो फड़े जा सकते तो यह यार लुधियाने दे विच बैठा बंदा सिर्फ ना वो कितने गया एडा किड्डा यार वो बंदा जिहड़ा छात्र दिमाग सीगा। मैं जदों उत्थे लोकां दे नाल गलबात कीती तां उन्होंने कहा कि असीं अपने तौर पर अपने दफ्तर के कैमरे देखे तो उस दे विच असीं पाया कि वो ताया जदों उत्थे मौजूद हुंदा बच्चा भी नाल हुंदा ताया बच्चे नूं मुड़ के देखदा तां सानूं शक हुंदा तां शक भी लोकां ने जताया प्रशासन क्यों नहीं पहला कैमरे तक पहुँच करता जे प्रशासन पहले तौर पर ही सारे कैमरे खंगालदा उस समय ही कुछ घंटिया के शक के दायरे के ताया आ जाता तो ताए की लोकेशन ट्रेस करके उस ये सारा मामला जोड़ा है उन्होंने सुलझाया जा सकता सी बच्चे की मौत तो पहला पहला सारा कुछ हो सकता सी बच सकता सी बिल्कुल हो सकता सी। ये सवाल मैं प्रशासन के नाल नाल भगवंत मान की सरकार से खड़े करता जिहड़े कहिंदे सी साडे राज दे विच अफसरशाही धक्का नहीं करूगी लोगों के नाल ये धक्का नहीं तो की है यार ये जदों एक मेरे को परमजीत सिंह नाँ दे मैं वीडियो दे विच भी जरूर लगायो परमजीत सिंह नाँ दे सरदार जी आउंदे ने उन्हां दा बच्चा लापता हो जांदा 5-6 साल मिलदा नहीं आ लगातार 5-6 सालों तो उन्हां नूं कहा जांदा इत्थे ही कितें मरिया पिया होना है अजिहे लफ्ज़ वरते जांदे आ बिल्कुल अजिहे लफ्ज़ वरते जांदे आ कोई अण ओह कहिंदे अणपछाती लाश मेरे गल पाती भी सानूं तां मिल गया सी जी तुसीं आए नहीं असीं संस्कार करता आप ही ना दिखाया यार मतलब कि यार तुसीं ये काम जिहड़ा हैगा ये आम तौर पर थाणियां च हुंदा है और हुण भी जिवें तुसीं इंटरव्यू करदे हो उहदी तां उह की लफ्ज़ वरतदा बंदा भी असीं उहनां नूं गए थाणे च भी असीं कहा भी असीं पते आ के पुछ लैंदे आ प्यार दे नाल असीं पुछ लैंदे आ भी तेरे कोले आ बच्चा जां कित्थे है उह कहिंदा चलो इत्थों नहीं तुहानूं भी अंदर दे दांगा ये ये थाणे दे जिहड़े विच मुखी हैगे उहनां ने वरते लफ्ज़ हाँ उस इंसान दे दस्सण मुताबक हाँ तो फिर ये अजिहियां घटनावां जदों तुसीं घटाओगे जां अजिहा व्यवहार करोगे तो प्रशासन क्यों नहीं जिम्मेवार हैगा तो जिहड़े लोग कहिंदे आ भी प्रशासन ने तां जी दुध दा दुध पानी दा पानी करता तो यार प्रशासन सिर्फ कतल दीआं गुत्थियां सुलझाउण नूं आ जां एक एक दो दो दिन पहलां होईआं शिकायतां अमल करन दे लई हुंदा है पर मैं ये अफसोस की गल है भी ना तो वह किसी वपारी का पुत सी बहुत वड्डे बिजनेसमैन का ना वह किसी अफसर का पुत सी
ना वो किसी मंत्री लीडर का पुत सीगा। जे हुंदा प्रशासन एक घंटे दे विच छित्तर फेर देना सी लिया के बंदे नूं, दोवे बंदे जिंदे फड़े जा सकते सी। जदों उहदा लोकेशन पिता की कह रहा, जे मेरे पुत दी 12 घंटे पहलां प्रशासन ने लोकेशन ट्रेस की हुंदी तां बच जाणा। प्रशासन नूं इह तां नहीं सौखा लगता, लाशां कढ़णियां प्रशासन नूं सौखियां लगदियां कि लाशां मिल जाणगियां, लाशां दे पहचान करावांगे, पोस्टमार्टम करावांगे। ये काम ज़्यादा सुखाला इस तो कि मशक्कत की जाए, लभण के लिए यतन की जाए, 10 भाई इधर नूं दौड़ाए जाण, 10 उधर नूं दौड़ाए जाण। ये प्रशासन नूं कितें औखा तो नहीं लगन लग पिया कि हाँ चलो 2 दिन लंघ जाएंगे, 4 दिन लंघ जाएंगे, कितों लाश मिल जूगी, वो दे देंगे, केस निबड़ूगा, फाइल बंद हो जूगी, सानू मेहनत नहीं करनी पेगी। प्रशासन कितने लोगों के मुश्किल हल कर बजाय इस पास तो नहीं तुर पाया कि लाश कदों मिलती है, उदों देखा, उदों तक बैठे रहो। जिहड़े बंदे नूं अपनी औलाद नाल मोह हुंदा है ना, बहुत प्यार हुंदा है, ते उस को उम्र दे विच दा बच्चा होवे, जे जे तुहाडा बच्चा भी उस उम्र दा होवे, जे वड्डा भी हो गया होवे, उस उम्र चेता आ जांदा अपने पुत दा जदों किसे दा दूजे दा देखदे। इन्हां ने मोह सिर्फ आ रिश्वतखोरी नाल पाया होया, 500 हज़ार जां 2-2 हज़ार दे नाल। इह तां अपनी औलाद नूं प्यार करन वाले नहीं है कि लोग, इह जे अपनी औलाद नूं प्यार करन वाले हुंदे तां इह समझदे की हुंदा इक प्यो का दुख, की हुंदा एक माँ का दुख। जिहड़े बेचारे तड़फते रहे सड़कों के उत्ते, लोगों ने किया फॉरन दे विच, जे कोई बच्चे की लापता की रिपोर्ट लिखाई जाए जां किसी की भी नाल दी नाल, उत्थे दा प्रशासन की करदा, जिन्ने भी मोबाइल कैनेडा दे विच ने, जिहड़े मर्जी अमेरिका दे विच होवे, खंगालना शुरू कर दिंदा उहनां नूं, सारे नूं अलर्ट जांदा भी इत्थे एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, इस तरह का बच्चा हैगा, सारा जदे नाल दी नाल पा दिंदे, किते भी मिलदा तां इनफॉर्मेशन दिओ। इत्थे तां साडा प्रशासन दे SHO तो इलावा किसी को पता नहीं होंदा, वो किसी ना के दसण की मतलब कि जरूरत समझदा है भी यार बथेरे केस आउंदे आ, कि ये शब्द तक कहे जाते हैं भी बथेरे फिरदे तुरे फिरदे आ यार, बथेरे खत्म होंदे आ। इत्थे भगवंत मान तो खुद अपनी कमेडी दे विच उह सच बयान करते रहे हैं, तो हालात मान साहब हले भी उही ने, तो इन्हां नूं क्यों नहीं तुसीं ठीक करदे। सो बिल्कुल जड़ियाँ चीज़ा है गियां, बहुत सामने धर्म की गल आती है, सामने आती उत्थे कि धर्म कर्म के इंसान बहुत जड़ा वधिया मन्या जांदा सी। करोना दे टाइम दे विच, जो पेंडेमिक दे टाइम दे विच, उसने बहुत लोगों की मदद की है, जिसनों अज दोषी समय ने बनाता, जां कह लीए हालात ने बनाता, तो वह उसके मन में कि ना कि दया भी सी कि लोगों मैं लोगों ने दसिया कि भुखे देख के कहता यार इन्होंने भुखियां खाण नूं दे दो, खाना बर्बाद ना करिए, अजिहियां बहुत सारिया चीज़ा करता सी। हालात जिहड़े हैगे इस तरह के बन जाते हैं कि एक दया भावना रखने वाला वह इंसान हुंदा, तो उस दे नाल जो बच्चा उसका जो अपना ही भतीजा वह रहा नहा भी है खवादा भी है, तो उसनों तरस ही नहीं आता उसका मासूम चेहरा देख के, अजिहे हालात बन जाते हैं। तुसी इहदे पिछे दे कारण की समझते हो भी तरस ना आना, कि समय की ही खेड सी इदा की, कि समय की विद बननी सी, यह भी चीज़ों नाल जुड़दियाँ कितने ना कि लोग अजिहियां भी गल्लां करते। बिल्कुल भाई, ये तो है ही है, जो बंदा क्योंकि एक पास असं कहने भी बंदा जिहड़ा हैगा हमेशा दिल और दिमाग दे नाल जिहड़ा काम चलता है, ठीक है, साह आउंदा जां साडे दिल दी जिन्ना ते जींदे आ, जे कोई गल सोचनी है दिमाग ने काम करना साडे ने, पर जदों साडे दिमाग दी शक्ति नहीं साडी काम कर रही, फिर असीं इक बंदे नूं किवें दोष दे दांगे। जे जिस बंदे दी दिमागी समर्था, एक पासे असीं कह दिंदे आ भई इह पागली हो गया सी यार, मानसिक रोगी सी, साडे घर दे विच इह करदा सी, तां उहदे बराबर दा कसूरवार मैं परिवार नूं समझदा। इह कसूर सिर्फ ताए दा कसूर नहीं हैगा, एक दुनियावी तौर ते आपां कह सकदे आ ताए ने भतीजा मार, परिवार दा भी क्यों असीं कह लईए समाज दा ही कसूर आ, कि समाज विच भी कोई बंदा नहीं मिलिया जिहड़ा उसनूं गल ला सकदा, उहनूं जे प्यार चलो इक असीं मान लईए इक मान गल इह आ सतनाम, इह समाज दे लोकां ने नहीं सानूं दस्सिया भी उह जी कट्ठियां गोलियां खा लैंदा सी, समाज दे लोक कह रहे आ इहदे वर्गा मिलनसार बंदा नहीं सी कोई, इन्ने प्यार नाल बुलाउंदा सी, समाज दे लोक सारे कह रहे, दूजियां दी मदद करदा सी भी किसी भुखे नूं देखदा नहीं सी, इहदा मतलब समाज दे लोकां नूं नहीं पता। सिचुएशन परिवारक सीगी, परिवार नूं पता सी, परिवार नूं हैंडल करना चाहिदा सी, मैं इस करके कह रहा ये चीज़ रख रहे हैं। जिन्हां दे घरां दे विच वीरियो इस तरह के लोग ने, तुहानूं लगदा तुहाडी नूं तुहाडे नाल व्यवहार नहीं सही कर रही, तुहानूं लगदा तुहाडा पुत इस तरह नहीं ठीक कर रहा, जे तुसीं कहिंदे हो तां उहदे इक डिप्रैशन जां मानसिक रोगां दे जिहड़े डॉक्टर ने माहिर ने उहनां नूं चैक करवाओ, तो उन्होंने अनुसार चलो, ये नहीं बई तुम उस बाद टौंट कर लग जाओ जी ये तो वेला रहा, तो ये जोड़े काम होए आते कितना कितने सरकार भी बराबर दियाँ दोषी ने। भगवंत मान सरकार तो चलो हूँ आई है, ये काम 70 साल तो हों आ रहा, बेरोज़गारी साढ़े देश के दे 25 साल तो मैं इनू दोषी मन नहीं सकता,
उतो पहला हालात कुछ सुखाले सी, रुजगार मिल जाता सी, पर हुण जिहड़े हैगे 20-25 सालों तो जदों रुजगार मिलना बंद हो गया, लोगों ने हौली हौली 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल ये डिप्रैशन लैवल इस तरह बढ़ता समय के अनुसार अनुसार जिमें जिमें वेला और जिमें जिमें लोग उन्हूं कही गए भी तू काम नहीं करता। तो सरकार उन्नी जिम्मेवार है, 80-80 साल का बजुर्ग जोड़ा अमरीका कनेडा दे विच चाहे वह 2 घंटे लिए काम करे, हरपाल भाजी मैनू दसदे सीगे सुनाम भाजी अमेरिका तो जिहड़े भी इत्थे तां 80-80 साल के भी जिहड़े हैगे आ उह काम करदे, क्योंकि इस मुद्दे के उत्ते मेरी उन्होंने नाल डिस्कशन हुई घंटा, तो मैं उन्होंने गल कर रहा सीगा, कहिंदे यार इत्थे तां थली आह काम करदे आ इह भी 80-80 साल के भी बंदे जिहड़े काम करदे उह इस करके नहीं करदे भी असीं कमाई करिए, उह इस करके करदे आ भी साडा स्ट्रैस लैवल ठीक रहे, असीं वेले बैठे बैठे कुछ सोच ना सकीए, पर साडियां सरकारां ने वेले करते लोग। ये तो एक बहुत वड्डी उम्र का बंदा सी, साढ़े नौजवान डिप्रैशन का शिकार होए पए आ यार, उन्होंने कोई नौजवान ही जिन्हें अपने माता पिता कतल कर दिते, तो वह चीज़ा जो देखिए तो ये कितने कितने कसूरवार सरकार भी आ और लोगों को डिप्रैशन के क्ढण के लिए काम काज देना चाहिए लोगों। सो बिल्कुल समाज का जोड़ा है रोल, सरकार का रोल, परिवार का रोल, हर एक की भूमिका जी है इस इको तरह की रही है, हर कोई उन्ना ही जिम्मेवार होंगे इस घटना के पिछे जिन्ना हूँ उस ताई को किया जा रहा है, तो हर एक अपना बनता रोल इस अदा करना चाहिए ताकि समाज के अजिहियां घटनावां होर आने वाले समय के ना वापरन। सो अपने घर के अपने घर की चल रहा उस चीज़ को लैके सुचेत रहो, अलर्ट रहो, तो इन कंडीशनज़ को समझण की कोशिश करो, तो एक दूजे के नाल प्यार रखो, तो कोशिश करो तुहाडे परिवार का हर एक मैंबर जिहड़ा हैगा तुहाडे आसे पासे दा वो अपनी गल तुहाडे कोल कर सके, अपने दिल के भेत तुहाडे नाल सांझे कर सके, ताकि किसी के दिल विच की चल रहा है, किसी के दिल के जे अशांति है तो उस दे बारे विच पता लग सके, अजिहियां घटनावां नूं टालिया जा सके। सो तुहाडे इस पूरी गलबात के बारे में की विचार ने, जां तुसीं की सोचते हो इस गलबात के बारे में, वो भी तुसीं अपने कमेंट बॉक्स के अपने विचार दिओ, क्योंकि जदों असीं विचारां नूं रिड़कदे हां तां उस दे विच जरूर कुछ चंगा निकल के आउंदा है, ते जेकर किसी की शान दे विच जां किसी दे खिलाफ तुहानूं लग्गिया कि शब्द वध घट बोले गए होण, तां विचारां दे विच अक्सर इस तरह हुंदा है कि कदी किसी नूं कोई गल चंगी लगती है, किसी नूं चंगी नहीं लगती, सो उस दे लई असीं पहलां भी माफ़ी मंगी है ते हुण भी माफ़ी चाहुंदे हां, पर जेकर समाज दे विच अजिहियां गल्लां कीतियां जाणगियां, मंथन कीता जाएगा, तां उम्मीद है कि समाज नूं जरूर सीध मिलेगी, तो अजिहियां घटनावां समाज के विचों रोज़ाना जीवन के विचों मनफी होणगियां।